नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे आज रैपिड ट्रांसिट के बारे में पूरी जानकारी। रैपिड ट्रांसिट या मास रैपिड ट्रांसिट MRT, जिसे भारी रेल, मेट्रो, सबवे ट्यूब, यू बैन, टी बैन, मेट्रोपॉलिटन या भूमिगत के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का उच्च क्षमता वाला सार्वजनिक परिवहन है जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। बसों या ट्रॉमा के विपरीत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इलेक्ट्रिक रेलवे होते हैं जो एक विशेष राइड ऑफ वे पे काम करते हैं, जो पैदल चलने वाले या किसी भी प्रकार के अन्य वाहनों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता और जो अक्सर सुरंगों में या फिर ऊंचाई पर ग्रेड से अलग होता है। रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर आधुनिक सेवा आमतौर पर रेल पटरियों पर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स का उपयोग करने वाले स्टेशनों के बीच निर्दिष्ट लाइनों पर प्रदान की जाती है। हालांकि कुछ सिस्टम निर्देशित रबर टायर, चुंबकीय मैगलेवन या फिर मोनोरेल का उपयोग करते हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच अंतराल को कम करने के लिए स्टेशनों में आमतौर पर उच्च प्लेटफॉर्म होते हैं। ट्रेनों के अंदर बिना कदम के कस्टम निर्मित ट्रेनों की आवश्यकता होती है, वो आमतौर पर अन्य सार्वजनिक परिवहन के साथ एकीकृत होते हैं और अक्सर एक ही सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि कुछ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में रैपिड ट्रांजिट लाइन और सड़क के बीच या दो रैपिड ट्रांजिट लाइन बीच ग्रेड चौराहे होते हैं। दुनिया का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आंशिक रूप से भूमिगत मेट्रोपॉलिटन रेलवे था, जो 1863 में एक पारंपरिक रेलवे के रूप में खोला गया था और अब ये लंदन अंडरग्राउंड का हिस्सा है। यात्री रेलवे शब्दावली। गैर देशी अंग्रेजी बोलने वाले द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए मेट्रो सबसे आम शब्द है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम उस माध्यम के नाम पर रखा जा सकता है जिसके द्वारा यात्री व्यस्त केंद्रीय व्यापारिक जिलों में यात्रा करते हैं। सुरंगों का उपयोग मेट्रो भूमिगत जर्मन में यूबॉन या फिर स्वीडिश में टी बॉन जैसे नामों को प्रेरित करता है। वायडक्ट्स का उपयोग नामों को प्रेरित करता है, जैसे एल या एल, स्काई ट्रेन, ओवरहेड, ओवरग्राउंड, जर्मन में हॉचबैन। इनमें से एक शब्द पूरे सिस्टम पर लागू हो सकता है, भले ही नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा उदाहरण के लिए भारी उपनगरों में जमीनी स्तर पर चलता हो। अधिकांश ब्रिटेन में मेट्रो पैदल यात्री अंडरपास है। अंडरग्राउंड और ट्यूब शब्द लंदन अंडरग्राउंड के लिए उपयोग किए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड टाइन एंड वियर मेट्रो ज्यादातर ओवरग्राउंड मेट्रो के रूप में जाने जाता है। इतिहास। 1863 में लंदन के भाप से चलने वाली मेट्रोपॉलिटन रेलवे के उद्घाटन ने तेजी से पारगमन की शुरुआत को चिन्हित किया। वेंटिलेशन के बावजूद भाप इंजन के साथ शुरुआती अनुभव अप्रिय थे। वायव्य रेलवे के साथ प्रयोग शहरों द्वारा उनके विस्तारित अपनाने में विफल रहे। विद्युत क्रशण भाप की तुलना में अधिक कुशल, तेज और स्वच्छ था और सुरंगों में चलने वाली ट्रेनों के लिए प्राकृतिक विकल्प और उन्नत सेवाओं के लिए बेहतर साबित हुआ। 1890 में सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रैपिड ट्रांजिट रेलवे था, जो पूरी तरह से भूमिगत भी था। उद्घाटन से पहले लाइन को सिटी एंड साउथ लंदन सबवे कहा जाने लगा। इस प्रकार रेलवे शताब्दी में सबवे शब्द का परिचय दिया गया। ऑपरेशन। रैपिड ट्रांजिट का उपयोग शहरों, समूहों और महानगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को अक्सर कम दूरी पर उच्च आवृत्ति पर परिवहन के लिए किया जाता है। कई परिवहन रणनीतियों के साथ शहरों के बीच तेजी से पारगमन प्रणाली की सीमा बहुत भिन्न होती है। कुछ प्रणालियां केवल आंतरिक शहर की सीमा तक या उपनगरों की आंतरिक रिंग तक विस्तारित हो सकती है, जहां ट्रेन बार बार स्टेशन रुकती है। बाहरी उपनगरों तक एक अलग कंप्यूटर रेल नेटवर्क द्वारा पहुंचाया जा सकता है, जहां अधिक व्यापक दूरी वाले स्टेशन उच्च गति की अनुमति देते हैं। पंक्तियां।
प्रत्येक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में एक या अधिक लाइनें या सर्किट होते हैं। प्रत्येक लाइन को कम से कम एक विशिष्ट मार्ग द्वारा सेवित किया जाता है, जिसमें सभी या कुछ लाइनों के स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं। अधिकांश प्रणालियां कई मार्गों को संचालित करती हैं और उन्हें रंग, नाम, क्रमांकन या उनके संयोजन से अलग करती हैं। कुछ लाइनें अपने मार्ग के एक हिस्से के एक दूसरे के साथ ट्रैक साझा कर सकती हैं या पूरी तरह से अपने रास्ते पर चल सकती हैं। अक्सर शहर के केंद्र के माध्यम से चलने वाली एक लाइन उपनगर में दो या दो से अधिक शाखाओं में बंट जाती हैं, जिससे केंद्र में उच्च सेवा आवृत्ति की अनुमति मिलती है। इस व्यवस्था का उपयोग कई प्रणालियां द्वारा किया जाता है, जैसे कोपेनहेगन मेट्रो, मिलान मेट्रो, ओस्लो मेट्रो और न्यूयॉर्क सिटी सबवे। नेटवर्क टोपोलॉजी। रैपिड ट्रांजिट टोपोलॉजी भौगोलिक बाधाओं, मौजूदा या अपेक्षित यात्रा पैटर्न, निर्माण लागत, रणनीति और ऐतिहासिक बाधाओं सहित बड़ी संख्या में कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। एक पारगमन प्रणाली से लाइनों के एक सेट के साथ भूमि के क्षेत्र की सेवा करने की उम्मीद की जाती है, जिसमें IUS और O आकार या लूप के रूप में संक्षिप्त आकार शामिल होते हैं। यात्री जानकारी। रैपिड ट्रांजिट ऑपरेटरों ने अक्सर मजबूत ब्रांड बनाए हैं, जो अक्सर आसान पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बड़े शहरों में पाए जाने वाले साइनेज के विशाल सरणी में भी त्वरित पहचान की अनुमति देने के लिए गति, सुरक्षा और अधिकार को सप्रेक्षित करने की इच्छा के साथ कई शहरों में संपूर्ण ट्रांजिट प्राधिकरण के लिए एक एकल कॉरपोरेट छवि है। लेकिन रैपिड ट्रांजिट अपने स्वयं के लोगों का उपयोग करता है, जो प्रोफाइल में फिट बैठता है। ट्रांजिट मैप एक टोपोलॉजिकल मैप या फिर योजनाबद्ध आरेखा है, जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में मार्गों और स्टेशनों को दिखाने के लिए किया जाता है। स्टेशनों को इंगित करने के लिए नामित चिन्हों के साथ प्रत्येक पंक्ति या सेवा को इंगित करने के लिए मुख्य घटक रंग कोडित रेखाएं हैं। बचाव और सुरक्षा। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कुछ दुर्घटनाओं के साथ रैपिड ट्रांजिट का सुरक्षा रिकॉर्ड अच्छा है। जोखिम को कम करने के लिए प्रक्रिया और रखरखाव की आवश्यकताओं के साथ रेल परिवहन सख्त सुरक्षा नियमों के अधीन है। डबल ट्रैक के उपयोग के कारण हेड ऑन टकराव दुर्लभ है और कम परिचालन गति रियर एड टकराव और पटरी से उतरने की घटनाओं और गंभीरता को कम करती है। आग भूमिगत खतरे से अधिक है, जैसे नवंबर 1987 में लंदन में किंग्स क्रॉस फायर, जिसमें 31 लोग मारे गए थे। सिस्टम आमतौर पर पूरे सिस्टम में कई जगहों पर ट्रेनों को निकलने की अनुमति देने के लिए बनाए जाते हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म आमतौर पर 1 मीटर या फिर 3 फीट से अधिक एक सुरक्षा जोखिम है, क्योंकि पटरियों पर गिरने वाले लोगों को वापस चढ़ने में परेशानी होती है। इस खतरे को खत्म करने के लिए कुछ सिस्टम पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रैपिड ट्रांजिट सुविधाएं सार्वजनिक स्थान है और सुरक्षा समस्याओं से ग्रस्त हो सकती है। जेब कतरे और सामान की चोरी जैसे छोटे अपराध और अधिक गंभीर हिंसक अपराध, साथ ही कसकर भरी हुई ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर यौन हमले, सुरक्षा उपायों में वीडियो निगरानी, सुरक्षा गार्ड और कंडक्टर शामिल हैं। कुछ देशों में एक विशेष ट्रांजिट पुलिस स्थापित की जा सकती है। इन सुरक्षा उपायों को आमतौर पर यहाँ जांच कर राजस्व की रक्षा के उपायों के साथ एकीकृत किया जाता है कि यात्री भुगतान किए बिना यात्रा नहीं कर सकते। कुछ सबवे सिस्टम जैसे कि बीजिंग सबवे, जिसे 2015 में वर्ल्ड वाइड रैपिड ट्रांजिट डेटा द्वारा विश्व के सबसे सुरक्षित रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क के रूप में स्थान दिया गया है, हर स्टेशन पर हवाई अड्डे की शैली की सुरक्षा चौकियों को शामिल करता है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कई हताहतों के साथ आतंकवाद के अधीन रहा है, जैसे कि 1995 टोक्यो मेट्रो सरीन गैस हमला और 2005 में लंदन अंडरग्राउंड पर 7.7 आतंकवादी हमला विस्फोट। ट्रेनें। अधिकांश रैपिड ट्रांजिट ट्रेनें इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हैं, जिनकी लंबाई 3 से लेकर 10 से अधिक कारों तक होती है। पूरे इतिहास में चालक दल के आकार में कमी आई है। कुछ आधुनिक प्रणालियों में अब पूरी तरह से बिना स्टाफ वाली ट्रेनें चल रही हैं। अन्य ट्रेनों में ड्राइवर होते रहते हैं, भले ही सामान्य संचालन में उनकी एकमात्र भूमिका स्टेशन पर
ट्रेनों के दरवाजे खोलने और बंद करने की होती है। बिजली आमतौर पर तीसरी रेल या फिर ओवरहेड तारों द्वारा वितरित की जाती है। पूरा लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क चौथी रेल का उपयोग करता है और अन्य प्राणोदन के लिए रैखिक मोटर का उपयोग करता है। कुछ शहरी रेलवे लाइनें एक लोडिंग गेज के लिए बनाई गई हैं, जो कि मुख्य लाइन रेलवे के रूप में बड़ी है। दूसरों को छोटे आकार में बनाया गया है और सुरंगें हैं जो आकार और कभी कभी ट्रेन के डिब्बों के आकार को सीमित करती हैं। एक उदाहरण लंदन अंडरग्राउंड है, जिसने अपने बेलनाकार कैबिन आकार के कारण अनौपचारिक शब्द ट्यूब ट्रेन हासिल कर लिया है। कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क में विभिन्न आकार और प्रकार के वाहनों को संचालित करने वाली लाइनें होती हैं। हालांकि ये उप नेटवर्क अक्सर ट्रैक से नहीं जुड़े होते। ऐसे मामलों में जब ये आवश्यक हो, एक उप नेटवर्क से छोटे लोडिंग गेज के साथ रोलिंग स्टॉक को अन्य लाइनों के साथ ले जाया जा सकता है, जो बड़ी ट्रेनों का उपयोग करते हैं। स्टेशन यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने और उतरने की अनुमति देने के लिए स्टेशन हब के रूप में कार्य करते हैं। वो भुगतान चौकियां भी हैं और यात्रियों को परिवहन के साधनों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए बसों या अन्य ट्रेनों में पहुंच या दो द्वीप या फिर पार्श्व प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती है। भूमिगत स्टेशन विशेष रूप से गहरे स्तर वाले समग्र परिवहन समय को बढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्मों पर लंबी एस्केलेटर की सवारियों का मतलब है कि स्टेशन पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं होने पर अड़चन बन सकते हैं। कुछ भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशनों को क्रमश विशाल भूमिगत या स्काईवे नेटवर्क में एकीकृत किया गया है, जो आसपास के व्यावसायिक भवनों से जुड़ते हैं। उपनगरों में स्टेशन से जुड़ा एक पार्क एंड राइड हो सकता है। ट्रेनों तक आसान पहुंच की अनुमति देने की प्लेटफॉर्म की ऊंचाई प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच चरण मुक्त पहुंच की अनुमति देती है। यदि स्टेशन अभी गम्यता मानकों का अनुपालन करता है, तो ये विकलांग लोगों और पहियेदार सामान वाले दोनों को ट्रेनों तक आसानी से पहुंचाने में अनुमति देता है। हालांकि अगर ट्रैक घुमावदार है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच एक अंतर हो सकता है। कुछ स्टेशन लोगों को पटरियों पर गिरने से रोकने के साथ साथ वेंटिलेशन लागत को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे का उपयोग करते हैं। लागत लाभ और प्रभाव। मार्च 2018 तक 212 शहरों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया है। पूंजीगत लागत अधिक है, जैसे कि लागत में वृद्धि और लाभ में कमी का जोखिम है। आमतौर पर सार्वजनिक वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। रैपिड ट्रांजिट को कभी कभी कई मोटर मार्गों के साथ एक व्यापक सड़क परिवहन प्रणाली के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कम भूमि उपयोग, कम पर्यावरणीय प्रभाव और कम लागत के साथ उच्च क्षमता की अनुमति देता है। शहर के केंद्रों में उन्नत या भूमिगत प्रणालियां महंगी भूमि पर कब्जा किए बिना लोगों के परिवहन की अनुमति देती है और शहर को भौतिक बाधाओं के बिना कॉम्पैक्ट रूप से विकसित करने की अनुमति भी देती है।